नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण जिला के ढाका प्रखंड अंतर्गत घर में आग लगने से 20 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ढाका थाना क्षेत्र के पंडारी गांव में आग लगने से 10 घर जलकर राख हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके, जिसके बाद सूचना मिलते ही ढाका थाना की पुलिस अग्निशामक वाहन लेकर गांव में पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। तब तक स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और जिसके घर से आग लगने की शुरुआत हुई, देखते ही देखते आग ने आसपास के 10 घरों में अपने चपेट ले लिया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वही आग को लपटों को देखकर आसपास के लोग आग बुझाने के प्रयास करने लगे, लेकिन आग पर काबू नहीं होता देख उसकी सूचना नजदीकी थाना को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर स्थानीय ग्रामीण को मदद करने पर पहुंच गए, जिसे ग्रामीणों के द्वारा मदद करने के बाद आग पर काबू पाया गया। जिसके बाद प्रीतन ने बताया कि आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अगजनी से घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए हैं। वही प्रीता महिला शांति देवी ने बताया कि इसमें राजेश महतो पिता सियाराम महतो ने भी बताया कि अपनी बेटी की विदाई करने के लिए सामान और जेवरात रखने में घर में रखी हुई थी, सारे सामान जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि अगलगी की चपेट में आने से 10 घर जल गए, जिसकी सूचना मिलते ही हम लोग मौके पर पहुंचकर गाड़ी लेकर पहुंचे। आग की लपटों को देखकर फिर 3 गाड़ियों को बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। ज्यादा नहीं है, कोई नहीं, ज्यादा नहीं, हमारा पूरा जल हो गया है, हमारा बकरी बकरू भैंस माल जाल सारा जल गया है, पैसा तो अभी सब हमारा कुछ नहीं है, बोलता हमारा दे लीजिए, हमारा धाने के लिए नहीं है, पेना है तो लोन दे दिया है, तो अपना ये होता है ये दे बोलो है ना, तो कुछ नहीं है सर, हमारा माल जाल कुछ नहीं है, सारा तो हमारा जल तो वह दूरा पर बना है, देख लीजिए आज लाना हम बहुत जिला लाना, हमारा पति तो दादी ला दिया, हम चल दिया तो उठा हम जिलाने के लिए तो लोन आया था भूताया था बोले बाबा मार जाल भैंस सारा जल दिया, 5 तो बटरी भी जल दिया, 87 मनुंडा धान खेती दिया दी तारा वो जल दिया, 50,000 से जीता जुड़ाया वो जल दिया, कुछ नहीं है सारा हमारा पास में कुछ नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सविता देवी है सर। कौन से गाँव है? नाम है पौड़ी ढाटा थाना है। ठीक है। घर लड़का दूगो बेटी के शादी करने के लिए कपड़ा लता खरीद के बहुत धरा, चौकी रहा घर में, साइकिल रहा धने, हमारा पैसा रहे पल में, गेहूँ के बोल रहा दूगो लिया किन के बीज, दूगो खाद के लिया रही खेती बोला, हमारा सारा जर गया, एगो कपड़ो न पहने ला दे पर एगो बस्तर नहीं है, नहीं खाने के लिए कल के अन्न पानी में मिलल बड़ी काले से गर्दा लोटो बढ़िया, खाने के लिए हम सरकार दे आप बेटी के शादी करे के लिए दे, हमको एगो ढेगा पैसा नहीं, ढेगा सहित सब जर गया, हमारा घर ये है। आपका नाम क्या हुआ? उर्मिला देवी। गांव कौन सा है? पौरारी। कौन सा प्रखंड में आता है? ढाका। आग कै बजे रात्रि को लगा? रात को ही 7-8 बजे आग लगा, हम लोग खाना उना खा कर सो रहे थे, कुछ लोग खाना बना रहे थे, कुछ लोग खा रहे थे, अचानक गली में आग इधर से उठ गया और चारों तरफ आग फैल गया, आग सब सारे घर में लग गया और बहुत सारा सामान क्षति हो गया, इसमें खाने पीने के सामान पहनने के लिए बस्तर शादी विवाह के लिए सबके सामान सब खरीद खरीद के रखे थे, वो सारा नष्ट हो गया। यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द हम लोगों को रहने के लिए शरण दे और खाने के लिए भोजन दे और पहनने के लिए बस्तर दिया जाए, यही उम्मीद करते हैं सरकार से। ये मामला कब का है? कल 7 बजे का मामला है जी, जो 7 बजे है फायर ब्रिगेड की गाड़ी आया था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई करीब 8:30 के बीच में आई है, गाड़ी आने के बाद में जब तक आग पूरी लग चुकी थी यहाँ
लगकर कुछ पब्लिक लोग मिलकर भुताने उतना चालू करे हैं, उसके बाद में पानी के लेकर के भुता उता कर करे जब तक आग पूरी लग चुकी हुई थी। जब आने के बाद वो अपना कंट्रोल को आग को करे यहाँ पर। कितने घरों में आग लगा था? ये 8-9 घर लपेट में पूरी घर है यहाँ पे। यहाँ लगभग कितने के संपत्ति नुकसान हुआ? संपत्ति 10-12 लाख इतना तक, अनाज से लेके माल से लेके सब कुछ सारा कुछ है जी, नहीं कपड़ा लगता कुछ भी, टोटल ही संपत्ति लोग की गायब है जी। लगभग पशु की भी देख रहे हैं कि पशु पूरे जली पड़ी हुई है, बाहर उधर भी और इधर भी पड़े हुए हैं, सब जल जल के राख हो चुके हैं। अन्न लगभग कितने की मन नुकसान हुआ है? मन लगभग नहीं हुआ होगा तो मैं सब 300-400 मन के लपेट में, इतना धन आज लोग का खत्म हो चुका है। ये घटना हुआ है, कैसे हुआ है? खाना बन रहा था, पीछे से एक बैग आग उठ गया, आदमी पहुंचा पीछे, जब तक आग लहक गया चारों तरफ, आग फैल गया, आदमी समारे समय तक सारा घर जल गया। लगभग कितना घर जला है? वही 8 घर है, 10-12 लाख का क्षति हो चुका है। सरकार अभी तक इस पे सुनवाई नहीं किया है। सरकार हम लोग अभी खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है साहब हम लोग, खाने के तो बातें छोड़िए। रकम उकम था खेत का, 100-150 मन अनाज था, धान सब यहीं पे था, सब खत्म हो गया। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम राजेश महतो। कौन सी गाँव है? पंडरी। कौन सा प्रखंड में पड़ता है? पंडरी प्रखंड है, ढाका प्रखंड।